देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। विज्ञान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं खेलों के मैदान में। आज खेलों के मैदान से एक बड़ी खबर आई। हिंदुस्तान की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और आज रावलपिंडी में एक तारीखी मैच का आगाज हुआ, जिसमें आज पहले ही दिन इंग्लैंड की टीम ने 506 रन चार खिलाड़ियों के नुकसान पे बना लिए, जबकि पाकिस्तान टीम जो कि अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर है अपने ही होम ग्राउंड पे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आई। आखिर ये क्यों हुआ और इस क्यों के पीछे बड़े सारे सवाल आते हैं, उसका जवाब लेने का हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब रियाजुद्दीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब तारीख रकम हो गई और ये तारीख एक बार फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी तारीख ना रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मनीर भाई। देखें, असल में बात यह है कि पाकिस्तान ने हालिया सालों में बड़ी जद्दोजहद की थी और पीएसएल के जरिए पाकिस्तान ने दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज बनाया था। उसके नतीजे में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमों ने यहाँ पर आना पसंद किया। और आपको याद होगा आज से चंद माह कबल जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई थी तो रावलपिंडी टेस्ट में मतलब काफी क्रिटिसिज्म हुआ था उसकी विकेट पे। वो विकेट जो है बैटिंग विकेट है और मतलब ये कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े नाकेदीन थे और जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया था कि टेस्ट मैचेस में मतलब इस तरह की विकेटें जो है वो क्रिकेट खेल को किल करने के लिए होती हैं और इससे मतलब जो टेस्ट क्रिकेट है वो डिस्करेज होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से एक मतलब फिर जो है विकेटें जो है वो उस मेयार की नहीं बनी जिस तरह की विकेटें बनानी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने दुनिया में क्रिकेट के हवाले से कोई अट्रैक्शन पैदा करना है अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट में तो आपको विकेटें जो है वो सपोर्टिंग। लेकिन क्यों नहीं बनाए रियाज साहब, ये आप तो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अब मुझे याद पड़ता है कि रमीज हसन राजा साहब ने पीसीबी के चेयरमैनशिप का की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो पिचेस को ठीक करने का कहा था। उन्होंने पिचेस को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ इकदाम भी हुए होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन आज जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यक तरफा नजर आई। आज तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर शायद मैदान में मौजूद ही नहीं थे। देखिए बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। इसलिए कि जब रमीज राजा साहब आए थे और हमें अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ड्रॉप पिचेस की बात की थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर आना थी और जो दो चार सनअतकार थे पाकिस्तान के उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी कि वो ड्रॉप पिचेस लाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर ड्रॉप पिचेस का इरादा जो है तब्दील कर दिया गया इसलिए कि बड़ी महंगी पिचेस थी। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि देखें जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद से दुनिया की टीमें यहाँ आती थी और यहाँ टेस्ट मैचेस होते थे, सपोर्टिंग विकेटें होती थी और यहाँ पे रन बनाने के भी मौके मिलते थे बैट्समैन को और विकेटें लेने के भी मिलते थे। लेकिन टेस्ट मैच में अगर पूरे दिन चार विकेटें गिरेंगी और कोई अपोनेंट टीम जो है 600 रन बनाएगी तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और आपको याद होगा मनीष भाई कि आज से चंद रोज कब जब इंग्लैंड की टीम यहां पर आई थी तो उनके कप्तान ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कही थी कि हम हर तरह के माहौल में, हर तरह की सिचुएशन में खेलने के आदी हैं और यहां भी हम हर तरह के माहौल में खेल लेंगे। सर, उन्होंने पिच देखने से पहले पिच की सूरत हाल बता दी थी और उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि मैच का नतीजा निकले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें, जितनी भी इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, जुनूबी अफ्रीका ले लें, न्यूजीलैंड ले, ये वो टीमें हैं जो मतलब टेस्ट मैचेस में भी वनडे की तरह की परफॉर्मेंस देती हैं, T20 की तरह की परफॉर्मेंस देती हैं। उनकी अप्रोच जो है बड़ी पॉजिटिव है, उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल है और हम जो है मतलब अभी विकेटों को भी सही तरह से नहीं बना पा रहे हैं। हमारी मतलब अप्रोच जो है विकेटों के हवाले से भी जो प्रोफेशनल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम डर डर के आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये जो रवैया है इसको खत्म करना होगा और हमें डैशिंग एटीट्यूड इख्तियार करना होगा। अगर हमने ये डैशिंग एटीट्यूड इख्तियार नहीं किया तो बैन अल्कवानी सतह पर हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा और दुनिया की जो बड़ी टीम है वो यहाँ नहीं आ सकेंगी। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपने वेनिस टीवी के मतलब तवस्सो से ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश के नाखून लेना चाहिए और जो विकेटें बनाते हैं उनको ये मतलब एडवाइस करनी चाहिए कि ऐसी विकेटें बनाए जो सपोर्टिंग विकेटें हों, जो बॉलर्स के लिए जिसमें जान हो और जिसमें जो है बैट्समैनों के लिए भी हो। लेकिन इस तरह की बैटिंग विकेट नहीं बनानी चाहिए कि आप जो है आपने इस ख्याल से बैटिंग विकेट बनाई कि अगर टॉस पे मतलब हम जीत जाते हैं तो हम मतलब बैटिंग लेंगे और हम जो है रन बनाएंगे, लेकिन आप देखें कि उसका उल्टा हो गया। वो उन्होंने बैटिंग की और उन्होंने बैटिंग करके आप देखें कि पैसे आपने बिल्कुल समय मुझे ये बताया कि पाकिस्तान की टीम के सिलेक्शन के ऊपर भी बात की जा रही है। इस टीम को अगर आज हम देखें तो इसमें बड़े सारे नाम जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि होने चाहिए थे वो नहीं है। सरफराज का नाम इसमें नजर नहीं आता, फवाद आलम स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मीर हमजा जिन्होंने डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी,
एक लेफ्ट आर्म हमें ऑप्शन मिल सकता था। हमने देखा कि शाहिद शाह अफरीदी के अगेंस्ट किस तरीके से राइट हैंड बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। हमारे पास एक लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हो सकता था, वो ऑप्शन भी हमने उसको भुला दिया। तो सर क्या ये सब वजह भी बनी कि आज इंग्लैंड इतना फ्रीली खेल रहा है कि इनको पता है कि शायद उस तरीके के ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है मनीष भाई। बात ये है कि हम जो है ना, हम बहुत ही डर डर के आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हमारा डैशिंग एटीट्यूड नहीं है। फवाद आलम को इन्होंने क्यों शामिल नहीं किया, उसकी एक वजह ये, देखें मतलब यहाँ पे हमारी जो बाकायदा लॉबीज बनी हुई है और वो लॉबीज जो है मतलब दूसरे प्लेयर्स को आना नहीं देना चाहती। जिस तरह से आपने सरफराज का जिक्र किया, इसी तरह आप देखेंगे वर्ल्ड कप में ये जरूर हारिस को लेके गए, नो डाउट वो अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसको बहुत जल्दी उन्होंने मौका दे दिया। अगर उसकी जगह सरफराज को लेके जाते और उसको इस्तेमाल करते तो इनके लिए फायदेमंद हो सकता था। लेकिन मुनीर भाई इसमें जो है सिलेक्शन अपनी जगह, सिलेक्शन में तो इन्होंने के लिए प्लेयर्स की ज्यादा की है, और जब नीयतें खराब होती हैं तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। और हम तो वैसे भी मुसलमान है, हमारा ये ईमान है कि नीयतें जब साफ होती हैं तो मंजिल आसान होती है, और चूंकि नीयतों की खराबी है इस वजह से हमें अपने टारगेट में पहुंचने में। और ये बता रहा रियाज साहब, अगर इस तरह की पिचेस पे आप अपने मोहम्मद अली जैसे एक नए प्लेयर को, डेब्यूटेंट को खिला दें इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, और उसने आज अपनी जिंदगी के पहले मैच में देखा कि 500 रन बन रहे और इंग्लैंड के बैट्समैन इतना फ्रीली उसे खेल रहे थे, उसका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा इस मैच के बाद? हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस कहां जाएगा इस मैच के बाद? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मतलब जो नौजवान खिलाड़ी हैं, अगर वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप निस्बतन जो कमजोर टीमें होती हैं उनके खिलाफ आप उनको चांसेस दें, ताकि उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो और फिर वो बड़ी टीमों के खिलाफ जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। लेकिन हमारे यहाँ सिलेक्शन का मैार जो है बिल्कुल कतई मुख्तलिफ है। हमें नजर नहीं आता कि ये किस तरह से मतलब सिलेक्शन जो है वो करते हैं और किस तरह से लेते हैं, और इसमें पसंद और नापसंद का यकीनी तौर पर मतलब ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें सामने आती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया हारिस और मोहम्मद अली से मुतालिक। अच्छा रियाज साहब, ये बताएं कि अब ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास? कल जब मैच शुरू होगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेन स्टोक्स क्रीज पे मौजूद है, वो अपना जारहाना मिजाज कंटिन्यू रखेंगे, इंग्लैंड की जो बाकी की बैटिंग लाइनअप है जो भी आते हैं उसी अंदाज में खेलेंगे, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंग्लैंड 600 रन तक तो कम से कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग जब आएगी तो पाकिस्तान किस तरीके से बैटिंग अप्रोच करेगा? देखिए मुनीर भाई, पाकिस्तान के लिए 600 रन का टारगेट जो है बहुत बड़ा टारगेट है, और आपने माजी जो है पाकिस्तान टीम का गवाह है कि हमारी परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, हमेशा से हमारी परफॉर्मेंस अनप्रिडिक्टेबल रही है, और जब हम प्रेशर सिचुएशन में होते हैं इस तरह की जैसा कि 600 मैच हैं तो हमारे हाथ पर फूल जाते हैं, हमारा मेंटल टफनेस लेवल जो है जवाब दे जाता है, हमारे आसाब जो है जवाब दे जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बड़ी मतलब ये कि उनको जो है अपने नर्व्स पर काबू रख के और मतलब फोकस करना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भी इसी तरीके का जा रहा है मिजाज बैटिंग में अपनाता हुआ दिखाई दे, ऐसा हो सकता है कि इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक भी हमें 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलते हुए दिखाई दे? देखें हमारी ख्वाहिश से दुआ और कोशिश तो ये हो सकती है, लेकिन तारीख मतलब इस बात को बिल्कुल डिनाई करती है, ऐसा नहीं है। और जब भी हम मतलब ये इस तरह की, लेकिन यहां से अगर ऐसा नहीं है तो मैच जीतने का तो ख्वाब भूल जाए ना, क्योंकि आज अगर इस वक्त विन प्रेडिक्टर जो हम देखें उसमें पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस सिर्फ 3% है, और इस वक्त इंग्लैंड के जो मैच जीतने के चांसेस 53% है। यानी कि अगर पाकिस्तान अगर अपने उसी मिजाज की टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो ये तो भूल जाएगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। तो मैच के पहले दिन अगर इस बात का तयन हो जाए कि एक टीम जीत ही नहीं सकती या जीतना चाहती है, तो फिर इस तरह के मैच का क्या नतीजा होगा और इस तरह के मैच को कौन पसंद करेगा? देखें ये तो बड़ा सही पॉइंट आउट किया है, तो दुनिया भर में आपकी जगहसाई होगी, और जो आपका जैसे मैंने पहले कहा था आपके पहले सवाल के जवाब में कि आपने मतलब ये कि बड़ी जद्दोजहद करके मतलब एक सॉफ्ट इमेज मतलब बेहतर बनाया था, और पीएसएल के जरिए आपने अपनी प्रोडक्ट को दुनिया में बेहतर तरीके से मतलब इंट्रोड्यूस किया था, और आज आपने देखा कि जैसे पहले भी मतलब दुनिया भर के नाकदीन जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब पिंडी में टेस्ट हुआ था वो भी ड्रॉ हुआ था और इसी तरह रन बने थे, आज फिर वो तारीख जो है दोहराई गई है, इसलिए कि पाकिस्तान ने अपनी उस माजी की गलत जो पॉलिसी थी उससे सबक नहीं सीखा, और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और विकेट पे खड़े रहना पड़ेगा। अब इनको रन बनाना दूसरी बात है, अब तो इन्हें सिर्फ विकेटें बचानी है, और वो लेकिन यहाँ से आपको लगता है 4 दिन तक ये स्टे कर सकते हैं, या तो अटैक करें स्कोर को मीट करें, या तो फिर इतना डिफेंस 4 दिन तक ये बैटिंग लाइनअप आपको लगता है सर्वाइव कर सकेगी? नहीं मुनीर भाई, वो तो चलने खैर 2 इनिंग्स होंगी, लेकिन कम से कम इतने तो रन बनाए कि टाइम निकल जाए, अगर जितना टाइम किल करने की बात है अब
हनीफ मोहम्मद को आपने देखा कि एक जमाने में दो दो दिन खड़े रहा करते थे, वो इसी तरह की सिचुएशन में होते थे, उसी तरह की इनको हिम्मत का सामना पड़ेगा करना पड़ेगा और उसी तरह का मतलब म्यार अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है, जिन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े रन बनाए थे उनके लिए अपनी विकेट पर यह इम्तिहान है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर उन्होंने इसको प्रूव कर दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे बढ़ेगी, वरना दुनिया में आपकी मैं समझता हूं कि भले दूसरे तीसरे टेस्ट में कोई भी रिजल्ट हो लेकिन पहला टेस्ट है इंग्लैंड के साथ, 17 साल बाद ये सीरीज हो रही है और यकीनन इससे जो है इसके मजबूत नतीजे नहीं होंगे, इसके मनफी नतीजे होंगे, लेकिन हमारे बैट्समैनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जिस तरह के उनके 4 बैट्समैनों ने सेंचुरी बनाई है, हमारे भी कम से कम दो। आपको लगता है कि आज हमारे प्लेयर्स की फिटनेस भी टेस्ट हुई होगी, क्योंकि आमतौर पर शायद पहले दिन के बाद बॉलर्स के पांव हाथों थके हुए होते हैं, आज तो फील्डर्स भी शायद हर दूसरी या चौथी गेंद को बाउंड्री से बाहर जाकर कलेक्ट करने जा रहे थे और वो बॉल लेके आते थे, तो सर आज तो पूरी टीम की मैं बात करूं तो उस वक्त थकी हुई होगी, मेंटली तौर पर भी थकी हुई होगी, तो एक बूस्टर तो चाहिए रहा टीम को भी। जी जी बिल्कुल, देखिए ये तो साइकोलॉजी है, आपने भी मतलब जाहिर है स्पोर्ट्स खेली है, हम लोगों ने भी खेली है और मतलब जो इंटरनेशनल सतह के जो ये मैचेस हैं जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा दबाव होता है, इसलिए कि कंट्री की बात होती है, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो है आसाब का मैच है, अगर हमारे जो बैट्समैन है अपने आसाब पे काबू रखने में कामयाब रहे और उसको सही तरह से मीट करने में कामयाब रहे तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जो है इस मैच को ड्रॉ मतलब करना तो मैं समझता हूँ मुश्किल है, लेकिन हमें ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि दुनिया को हम दिखाएं कि हम फाइट करके हार रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियासत आपका मौकफ का, और यकीन तौर पर पड़ा है ना कि इस वक्त पाकिस्तान को पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होगा, इंग्लैंड की टीम ने आके एक फ्रेश पिच के ऊपर एक ऐसी जगह पे आके जो कि उनके लिए नहीं है कदरे नहीं है उस पिच पे आके अपना गेम शो किया, उसी अंदाज से खेला जिस अंदाज से इंग्लैंड की टीम खेलने के लिए मशहूर है। पाकिस्तान की टीम किस अंदाज से इस पूरी सीरीज को अप्रोच करेगी और 4 दिनों में जो इस टेस्ट मैच में 4 दिन रहते हैं, क्या पाकिस्तान टीम एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप को अग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग करती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। उम्मीद करते हैं जो बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। उम्मीद करता आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।